हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने इंटीरियर को एक परफेक्ट लुक देना चाहते हैं तो आप अपने फ्लोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एक अच्छा कारपेट या रग इस्तेमाल करके आप अपने इंटीरियर की ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में कई तरह के कारपेट्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा कारपेट अपने लिए सिलेक्ट करना उतना भी आसान नहीं होता। मैं हूँ आगरे कनिता करकोदी और मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनका ध्यान रखकर आप अपने लिए एक बेस्ट सूटेबल कारपेट को चूज कर सकते हैं। इस टॉपिक पर और बात करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। किसी भी होम डेकोर के लिए कारपेट चूज कर पाना उतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसका अपने आप में खूबसूरत दिखना तो जरूरी है, साथ ही आपके इंटीरियर्स की कलर स्कीम और स्टाइल के साथ में मैच होकर इंटीरियर्स की खूबसूरती को और बढ़ाए, ये बहुत जरूरी होता है। किसी कारपेट को बार बार क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है तो कोई बहुत महंगा होता है। कारपेट का सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके बजट पर, आपके एरिया के क्लाइमेट पर, आपके आप उसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, यानी कौन से रूम में यूज़ करना चाहते हैं, साथ ही आपके रूम की कलर स्कीम और स्टाइल पर। तो कारपेट को खरीदने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपका बजट। कारपेट के कलर, टेक्सचर और फैब्रिक आदि के बारे में सोचने से पहले आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में रेट्स में काफ़ी वेरिएशन है कारपेट के, और रेट वाइज इनकी ड्यूरेबिलिटी में भी काफ़ी डिफरेंस है। अगर मान लीजिए आपका बजट 5,000 रुपये है तो 15,000 रुपये का कारपेट सिर्फ इसके टेक्सचर और फैब्रिक की वजह से खरीदना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप फैमिली लाउंज या ड्राइंग रूम के लिए कारपेट खरीदना चाहते हैं तो वुलन कारपेट्स, हैंड नोटेड वुलन कारपेट्स आदि में भी इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। ये कॉटन और सिल्क में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप दूसरे एरिया जैसे बेडरूम, डाइनिंग आदि के लिए कारपेट चाहते हैं तो आप कोई कम क्वालिटी का कारपेट भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सस्ता कारपेट भी लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि ये एरिया उतना एक्टिवली यूज नहीं होते हैं। कारपेट खरीदने से पहले अपने रूम साइज का ध्यान रखें। अगर आपका रूम छोटा है तो आप रग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कारपेट खरीदना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि छोटा कारपेट खरीदें ताकि आपका फ्लोर एरिया थोड़ा सा दिखता रहे और कारपेट आपके सिलेक्टेड एरिया को ही यूज़ करें फ्लोर के, इससे आपका रूम बड़ा दिखेगा। मार्केट में कलर्स और स्टाइल की बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, तो कारपेट खरीदने से पहले अपने होम डेकोर का भी ध्यान रखें। जैसे अगर आपकी दीवारों का रंग हल्का है तो हल्के रंग के कारपेट्स भी खरीद सकते हैं, और साथ ही आप कंट्रास्ट में थोड़े डार्क कलर का कारपेट भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वॉल्स का कलर डार्क शेड्स में है तो डार्क कलर का कारपेट खरीदने से बचें, लाइटर टोन बेटर रहेगा, कंट्रास्ट हमेशा अच्छा लगेगा। आप इनके लिए मोनोक्रोम स्कीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोनोक्रोम हमेशा लाइटर शेड्स में बेटर रहते हैं, क्योंकि अगर आपकी कलर स्कीम डार्कर है तो मोनोक्रोमेटिक स्कीम के अकॉर्डिंग फ्लोर कारपेट खरीदने से आपका रूम और ज़्यादा डार्क लगने लगेगा। कलर स्कीम का ध्यान रखने के साथ ही अपनी फर्निशिंग के स्टाइल का भी ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आपका सोफ़ा अगर प्लेन फैब्रिक से बना है तो आप कारपेट के लिए पैटर्न भी चूज कर सकते हैं। कारपेट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और अधिकतर कारपेट्स काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार कारपेट ना खरीदें, बल्कि आपको कारपेट्स एक ऐसा चूज़ करना चाहिए जो कि टाइमलेस अपील रखता हो, यानी एवरग्रीन हो। जैसे कि साड़ियों में बनारसी और सिल्क साड़ियाँ होती हैं जो कि हमेशा चलती हैं और इनका फैशन कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं या पेट्स हैं तो दाग धब्बे लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसा कारपेट चूज़ करें जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़े, ताकि अगर गलती से कुछ सामान गिर भी जाता है और स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं तो वो इजीली साफ़ किए जा सके। इसके लिए आप कॉटन कारपेट्स या सिंथेटिक कारपेट्स या फिर पॉलीमर कारपेट्स को भी ट्राई कर सकते हैं, इनकी मेंटेनेंस करना काफ़ी ईजी होता है। लिविंग रूम के लिए हैंड नोटेड कारपेट एक शो पीस की तरह काम करते हैं और लंबे समय तक भी चलते हैं, लेकिन ये पैरों के नीचे उतने सॉफ्ट महसूस नहीं होते, तो अगर आप एक सॉफ्टनेस और कोजी फीलिंग चाहते हैं तो आप हैंड टफ्टेड
कारपेट्स को भी चूज कर सकते हैं। ये दिखने में भी काफी स्टाइलिश लगेंगे और काफी वार्म्थ और कोजी फीलिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। कारपेट खरीदने से पहले आपको अपने एरिया के क्लाइमेट का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म एरिया में रहते हैं तो आपके लिए वुलन कारपेट सूटेबल नहीं रहेंगे। ऐसे एरियाज में पतले कारपेट्स यूज करने चाहिए। आप कॉटन कारपेट, जूट कारपेट्स या हैंडमेड दरियां यूज कर सकते हैं। ये कारपेट्स हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इनके खूबसूरत नेचुरल धागे आपके पैरों को ठंडक प्रोवाइड करेंगे। पॉलीप्रोपाइलीन कारपेट्स का सिल्की सॉफ्ट टच आपके पैरों को आराम महसूस कराएगा। अगर आप ठंडे एरियाज में रहते हैं तो वुलन कारपेट्स आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेंगे। ये काफी थिक होते हैं और आपके इंटीरियर को वार्म्थ और कोजी लुक प्रोवाइड करेंगे। कारपेट्स और रग्स का सिलेक्शन करने से पहले आप इनके यूसेज का भी ध्यान रखें कि आप इसको किस एरिया में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक कारपेट हर रूम के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अगर आप बेडरूम, डाइनिंग रूम या फॉर्मल लिविंग रूम के लिए कारपेट खरीदना चाहते हैं तो वहाँ के लिए सॉफ्ट कारपेट खरीद सकते हैं, क्योंकि ये लो ट्रैफिक एरियाज माने जाते हैं और यहाँ पर एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आप हॉलवेज, फॉयर, एंट्रेंस लॉबी या फिर ड्राइंग रूम के लिए कारपेट खरीदना चाहते हैं तो यहाँ के लिए हैंड नॉटेड कारपेट बेस्ट सूटेबल रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये हाई ट्रैफिक एरिया में काउंट होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कारपेट चुनें जो कि लंबे समय तक चलें। इन एरियाज में आप डार्क कलर्स को प्रेफरेंस देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो दाग धब्बे लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर आप इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सक्सेसफुली एक बहुत अच्छा कारपेट अपने लिए चूज कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।